हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है फिजिकल फिटनेस एंड टीचिंग मेथड्स रिलेटेड। जैसे कि आपके बीपीएससी टीजीटी 2023 सेकेंड फेज टीचर का वैकेंसी आ गया है। 3 से 14 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई एंड 7 से 10 दिसंबर के बीच आपका एग्जाम है। एंड जैसा कि ये बीपीएससी टीजीटी के लिए ही नहीं है, आप अदरवाइज ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए है। जैसा कि सबसे पहले आपका बीपीएससी होगा, उसके बाद आपका ईएमआरएस होगा, तो सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए डेली बेसिस पे। और जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा, मैं डेली बेसिस पे 2 वीडियो अपलोड करती रहूंगी। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रशिक्षण सत्र में कुल प्रदर्शित कार्य की मात्रा को कहा जाता है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड इन ए ट्रेनिंग सेशन कॉल्ड। तो दोस्तों, जो प्रशिक्षण सत्र में दो चीज होती है, इंटेंसिटी एंड वैल्यू। वॉल्यूम क्या होता है कि कार्य कितना समय तक किया गया, और इंटेंसिटी क्या होता है कि तीव्रता, यानी कि कितने स्पीड से किया गया, और दोनों में विपरीत संबंध होता है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है यानी समय ज्यादा है, तो इंटेंसिटी कम होगा यानी तीव्रता कम होगा, स्पीड कम होगा। अगर वॉल्यूम यानी समय कम है, कम समय की क्रिया है, तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा यानी कि स्पीड ज्यादा होगा। यहाँ पे कुल प्रदर्शित कार्य की मात्रा को बोला है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मात्रा यानी कि वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, मात्रा यानी कि क्वांटिटी कहेंगे, कितना समय तक कार्य किया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि निम्न में से किस खेल प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स कंपटीशन इन इंटरवल ट्रेनिंग लेस इफेक्टिव। तो ये साइकिलिंग, तैराकी एंड ट्रैक प्रतियोगिता, इन सभी में अंतराल प्रशिक्षण जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड होता है बहुत प्रभावी होता है, बट सबसे कम प्रभावी होता है आपका जिम्नास्टिक में। किसमें? जिम्नास्टिक में। जिम्नास्टिक जो है जिसमें संतुलन, शक्ति, लचीलापन और नियंत्रण आदि की आवश्यकता होती है, परंतु जिम्नास्टिक खेल प्रतियोगिता में अंतराल प्रशिक्षण कम प्रभावी होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीक कार्य और प्रतिप्राप्ति के क्रमबद्ध स्थिति पर जोर देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इम्फेसिस द सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ वर्क एंड रिकवरी। तो दोस्तों, वर्क एंड रिकवरी यानी कि इनकम्प्लीट रिकवरी आपका होता है। वर्क करो, रिकवरी करो, फिर वर्क करो, यानी कि आपका हार्ट रेट 180 तक पहुंच जाता है, 180 पहुंचते कर रुक देते हैं, और रुकने के बाद तुरंत जब 120 से 140 पर हार्ट रेट पहुंच जाता है, तुरंत फिर से प्रशिक्षण चालू कर देते हैं, यानी कि कार्य और प्रतिप्राप्ति पर आधारित है। तो यहाँ पे आपका अंतराल प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण केवल किसी के चुने गए खेल के लिए ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट होना चाहिए। तो कोई खेल चुन लिया उसके लिए बस नहीं, उस व्यक्ति का सामर्थ्य कितना है उसके अनुसार होना चाहिए। तो उसके व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, एथलीट प्रशिक्षण के संबंध में प्रयोग अप्रयोग का जैविक तत्व समान रूप से यह निर्दिष्ट अंतर्निहित करता है कि आप, यानी आप यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, यह किस पर निर्भर करता है, यह इसी पर निर्भर करता है जैविक प्रक्रिया के रूप में कि आप इसका प्रयोग करें या इसे नष्ट कर दें। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वार्म अप का एक घटक नहीं है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ वार्म अप। तो कौन नहीं है वार्म अप का एक घटक, जैसे कि फ्लैक्सी पुलिंग यानी खींचना, कैलिस्थेनिक व्यायाम ये भी है। ठीक है, एंड प्लायोमेट्रिक्स है, ये सभी तीनों के तीनों आपके वार्म अप के घटक हैं, कंपोनेंट हैं, बट औपचारिक गतिविधि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है, भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों के द्रव्यमान में वृद्धि क्या कहलाती है। व्हाट इज द इंक्रीज इन मसल्स मास ड्यू टू हैवी वेट ट्रेनिंग कॉल्ड। तो जब भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों के द्रव्यमान में वृद्धि होती है, तो उसे हम कहते हैं मांसपेशी अति वृद्धि, वृद्धि यानी कि मसल्स हाइपरट्रॉफी। क्या कहते हैं? मसल्स हाइपरट्रॉफी। अगर व्यायाम की कमी के कारण मांसपेशियों के न यूज करने के कारण मांसपेशियां कमजोर और छोटी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑट्रॉफी। ठीक है, यानी कि मसल्स हाइपोट्रॉफी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
कि एरोबिक व्यायाम आपके किसको मजबूत बनाता है। एरोबिक एक्सरसाइज मेक्स योर स्ट्रॉन्गर, तो किसको मजबूत बनाता है, तो आपके हार्ट को मजबूत बनाता है, यानी कि हृदय को, हृदय की आकार आकृति बहुत बढ़ जाती है, जिससे ज़्यादा मात्रा में वायु ग्रहण करती है, बाहर निकलती है, तो इसे एथलीट हार्ट भी बोला जाता है, तो याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है, व्हाट इज ट्रांसफर इन ट्रेनिंग। तो प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है, कि पुरानी अवस्था से नवीन अवस्था में समस्त सीखों का प्रयोग करना ही क्या है, प्रशिक्षण का स्थानांतरण है। तो दोस्तों जैसे कि प्रशिक्षण का स्थानांतरण क्या है, पुरानी जो ज्ञान है नवीन ज्ञान के सीखने में प्रयोग होता है, तो उसे प्रशिक्षण का स्थानांतरण करते हैं। ये तीन प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। सकारात्मक क्या होता है, जब पुरानी अवस्था के सीखा हुआ ज्ञान नए कार्य में सहायता करे तो सकारात्मक स्थानांतरण है, जब सहायता न करे नए कार्य में सीखने में तो नकारात्मक है, जब नए कार्य के सीखने में न सहायता करे न तो आपको बाधा उत्पन्न करे, तो वो कहा जाता है शून्य स्थानांतरण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शारीरिक क्षमता घटक को योगासनों द्वारा अच्छे से विकसित किया जा सकता है, विच आर द फॉलोइंग फिजिकल कैपेसिटी कंपोनेंट्स इज वेल डेवलप्ड बाय योगासना। तो दोस्तों योगासन से, जहाँ भी योग की बात आए, वो हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है, किसको विकसित करता है योगासन, सभी आसन योगासन फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, हमारे जोड़ों की गति को बढ़ाते हैं, उसमें लचीलापन होता है, रक्त संचार अच्छा होता है, शरीर फुर्तीला बनता है, अधिक युवा लगता है और काम करने की शक्ति बनी रहती है, ठीक है। एंड चोटों से हमारे शरीर की रक्षा होती है जब लचीलापन होता है तो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, सरप्लस एनर्जी थ्योरी की किसने दिया है, तो इस थ्योरी की दिया है हर्बर्ट स्पेंसर। खेल की अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत दिया है, जिसे अविशेष ऊर्जा का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी भी कहा जाता है, तो इसको दिया है हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने। एंड दोस्तों भविष्यदर्शी या पूर्वानुमानित धारणा, जिसे अंग्रेजी में एंटीसिपेटरी या प्री एक्सरसाइज थ्योरी कहते हैं, उसको दिया है कार्ल ग्रूस ने, जो पूर्व अभ्यास व तत्परता के नाम से भी जाना जाता है। एंड मनोरंजन सिद्धांत यानी कि रिक्रिएशनल थ्योरी दिया है लॉर्ड केम्स एंड जी डब्ल्यू पैट्रिक ने। एंड पुनः अवलोकन या पुनर्कथन या पुनरावृत्ति की धारणा, जिसे रिकैपिटुलेटरी थ्योरी कहते हैं, इसको दिया है स्टैनली हॉल ने। यह पूर्व अनुभवों को पुनः अनुभव इसमें किया जाता है। एंड मनोविश्लेषण धारणा, साइको एनालिटिक थ्योरी दिया है सिगमंड फ्रायर ने। एंड रेचन विरेचन यानी कि विरेचन धारणा, जिसे कैथलेटिक थ्योरी भी कहते हैं, इसको दिया है अरस्तु ने। इसे शुद्धिकरण की धारणा भी कहते हैं। एंड सामाजिक धारणा, सोशल थ्योरी दिया है अरस्तु ने। खेल ही जीवन है धारणा दिया है प्ले इज लाइफ थ्योरी जॉन डीवी ने। एंड संज्ञानात्मक धारणा, कॉग्निटिव थ्योरी दिया है जीन पियाजे ने। एंड सहज प्रवृत्ति धारणा यानी कि इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी को दिया है मैकडूगल ने। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा, ये पूछा जाता है हर समय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत खेलों में उच्च प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। द मेन रीजन वाई इंडिया इज नॉट एबल टू परफॉर्म हाई इन स्पोर्ट्स। तो दोस्तों उसका मुख्य कारण है खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण का अभाव, ठीक है, खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है, जिसके कारण भारत की खेल नीति भेदभाव पूर्ण तथा सही संचालित नहीं होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है, खेल प्रशिक्षण वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों को खेलकूद प्रतियोगिताओं में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। ये बात किसने कहा है, स्पोर्ट ट्रेनिंग इज ए एजुकेशनल प्रोसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल एमेड ए प्रिपेयरिंग प्लेयर्स फॉर हाई लेवल परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कंपटीशन हु सेड। तो किसने कहा है इसको इस परिभाषा को कहा है हरदयाल सिंह ने। याद रखिएगा एक खेल प्रशिक्षक की परिभाषा, इन्होंने खेल प्रशिक्षक को वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षिक प्रक्रिया कहा है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट प्रशिक्षण विधि की खोज किसने किया। तो सर्किट प्रशिक्षण विधि की खोज किसने किया दोस्तों, इस प्रशिक्षक की खोज किया मॉर्गन एंड एडमसन ने 1857 ईस्वी में। एडमसन मॉर्गन ने इसकी खोजा 1857 ईस्वी में। इस विधि में क्रियाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से शामिल किया गया है
और इसको सर्किट प्रोसेसर की खोज किया था एडमसन 1957 में, एंड कार्टिनिवस मेथड यानी लगातार प्रशिक्षक की खोज किया था 1920 में अर्नेस्ट मोहकेन ने, एंड फार्टलेक प्रशिक्षक की खोज किया था 1937 में गोस्टा होमलव ने, इंटरवल ट्रेनिंग यानी अंतराल प्रशिक्षक की खोज किया था 1920 में रेंडले व गर्चर विकिला ने। ये सभी चीज़ें आपके एंड्योरेंस को डेवलप करती हैं, जबकि सर्किट ट्रेनिंग आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को डेवलप करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया योग्यता और त्वरण योग्यता इस रूप में है, तो रिएक्शन एबिलिटी एंड एक्सीलरेशन कैपेसिटी आर इन द फॉर्म। तो दोस्तों आपको स्पीड जब पढ़ेंगे तो स्पीड में पांच प्रकार का दिया गया है, रिएक्शन एबिलिटी यानी प्रतिक्रिया योग्यता, ठीक है, एक्सीलरेशन एबिलिटी यानी कि त्वरण योग्यता, एंड मोमेंटम गति की चाल, एंड लोकोमोटर एबिलिटी, एंड आपका स्पीड एंड्योरेंस। ए गति के अंतर्गत आता है, तो प्रतिक्रिया योग्यता त्वरण योग्यता किस रूप में किस में आता है, तो स्पीड के अंतर्गत, किस में आता है, स्पीड के अंतर्गत। तो याद रखिएगा प्रतिक्रिया योग्यता क्या होता है, जैसे कि बंदूक की आवाज़ सुनकर एथलीट तुरंत प्रतिक्रिया करता है, दौड़ना शुरू स्टार्ट कर देता है, ग्रहण करता है, उसी को कहते हैं। और अधिकतम कम से कम समय में अधिकतम गति को प्राप्त करना त्वरण योग्यता होता है, जैसे कि जो स्प्रिंट स्टार्ट के प्रथम चरण में होता है, जो ही रिएक्शन होता है बंदूक की आवाज़ सुनते ही वह दौड़ना स्टार्ट करता है, तो कम से कम 25 से 50 60 मीटर तक वो हाई स्पीड से अधिकतम गति को प्राप्त करता है, उसी को एक्सीलरेशन कहते हैं यानी कि त्वरण योग्यता कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेल प्रदर्शन परिणाम है, खेल प्रदर्शन परिणाम है, तो स्पोर्ट परफॉर्मेंस रिजल्ट किसका होता है, कौशल का। जितना आप स्किल प्रशिक्षण में सीखे रहते हैं उस स्किल्स का ही परिणाम होता है कि आप कितना अच्छा प्रदर्शन कर सके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगी खेलों से प्राप्त लाभ क्या होता है, बेनिफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। तो प्रतियोगी खेलों से लाभ होता है कि खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन को जानने में सहायक होता है कि खिलाड़ी किस हद तक ट्रेनिंग में सफल हुआ है, स्किल सीखा है, कहाँ तक परफॉर्मेंस कर पा रहा है, एंड खिलाड़ियों की कमजोरी को जानने में सहायक होता है, उसके वीकनेस को जाना जाता है, खिलाड़ियों के तकनीकी कौशल के विकास में सहायक होते हैं, अगर कमियां हम ढूंढ लेंगे तो उसको फिर से विकास करेंगे, तो उपरोक्त सभी आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधिकालीनता के अंतर्गत कितने काल होते हैं, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर अंडर ड्यूरेशन। तो दोस्तों अवधिकालीनता के अंतर्गत तीन काल होते हैं, तीन काल कौन कौन से होते हैं, तैयारी काल, प्रतियोगिता काल और संक्रमण काल, यानी कि तैयारी काल यानी कि प्रिपरेटरी पीरियड, प्रतियोगिता काल यानी कंपटीशन पीरियड, एंड संक्रमण काल यानी कि रिकवरी पीरियड, या इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक पेशी प्रशिक्षक का परिणाम नहीं है, पेशी यहाँ पे पीसी लिखा गया है, ठीक है, निम्न में से कौन सा एक पेशी प्रशिक्षक का परिणाम नहीं है, तो यहाँ पे पेशी प्रशिक्षक का परिणाम, अगर मसल्स का प्रशिक्षण करेंगे तो आपके मसल्स के संरचना में आकार आकृति में परिवर्तन होगा, ठीक है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, एंड शक्ति में वृद्धि होगी, ठीक है, इंक्रीज स्ट्रेंथ, सहनशीलता में परिवर्तन होगा, ठीक है, चेंज टोलरेंस यानी कि इंड्योरेंस में परिवर्तन होगा, सहनशीलता बढ़ेगी मसल्स की, बट पेशी तंतु में वृद्धि ये नहीं होगा, ये आपका राइट नहीं है। एंड नेक्स्ट है, सूक्ष्म से मूर्त सिद्धांत संबंधित है, सूक्ष्म से मूर्त सिद्धांत किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है आपका शिक्षण से, किससे, शिक्षण से रिलेटेड है, यह है शिक्षण से संबंधित बाय टीचिंग। एंड नेक्स्ट है, शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि का आविष्कारक कौन था, हु आर द इन्वेंटर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इन एजुकेशन, तो वो थे आपके W.H. Kilpatrick। शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि के आविष्कारक कौन थे, W.H. Kilpatrick। दोस्तों खेल पर आधारित शिक्षा विधियों में आपका आता है डाल्टन विधि, बाल्चर विधि, मॉन्टेसरी विधि, हॉलिस्टिक विधि, किंडरगार्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि। इसमें से प्रोजेक्ट विधि के आविष्कारक है W.H. Kilpatrick। इसमें बच्चों के सामने कुछ समस्याएं रखी जाती हैं
और बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। किंडरगार्टन पद्धति क्या होता है? इसमें इसके खोज करता है किंडर फ्रॉविल, फ्रॉविल ने खोजा है जो जर्मनी के थे। इसमें बच्चों को दबाव एवं भय से दूर रखा जाता है, कहानी खिलौना आदि से सिखाया जाता है। एंड एक होता है हॉलिस्टिक विधि, इसके लेखक हैं आर्म स्ट्रॉन्ग। इसमें बालकों को सिखाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। एंड एक होता है मॉन्टेसरी विधि, जिसमें ये मॉन्टेसरी विधि की लेखिका है, खोज करता है मारिया मॉन्टेसरी, जो इटली की डॉक्टर थी। इस विधि में औरत ही शिक्षक कार्य करती है, ज्ञान जो है इंद्रियों से संबंधित होता है। एक होता है बाल्चर विधि, जिसके खोज करता है लॉर्ड वडेन पावेल। और बाल्चर विधि में बालक को प्राकृतिक वातावरण में रखकर बालक को शिक्षा दिया जाता है। एक होता है डाल्टन विधि, इसके खोज करता है श्रीमती एलन पार्क हर्स्ट। इसमें बालक अपना कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, इसमें अध्यापक नहीं होता है डाल्टन विधि में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति ग्रहण तीव्रतम होती है, पावर एब्जॉर्प्शन इज फास्टेस्ट। तो सबसे शक्ति ग्रहण तीव्रतम होती है आइसोकाइनेटिक व्यायाम से, इसमें आइसोकाइनेटिक व्यायाम से जो अक्सर मशीनों द्वारा किया जाता है, और पानी वाले जैसे कि तैराकी, स्विमिंग, रोइंग आदि में ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक है, मशीनों पर किया जाता है, जिसके खिलाड़ी में शक्ति ग्रहण की तीव्रता होती है। ऐसे व्यायाम निरंतरता के अभाव में अपने प्रभाव मांसपेशियों को शिथिलन के रूप में छोड़ते हैं। आइसोकाइनेटिक की खोज जेम्स पेराइन ने किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा बच्चों में आदतें पड़ती हैं? बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैबिट आर फॉर्म इन चिल्ड्रेन? तो अनुकरण के द्वारा, यानी दूसरे के देख कर सीखते हैं, अनुकरण करके उस, और वही देख कर जो देखते हैं वही बच्चों की आदतें बन जाती हैं। इमिटेशन यानी कि अनुकरण के द्वारा बच्चों में क्या होती हैं, आदतें होती हैं, यानी कि प्रदर्शन अनुकरण विधि में अध्यापक बच्चों के सामने क्रिया प्रस्तुत करते हैं, उसके पश्चात बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, और बच्चों के लिए यह सर्वोत्तम विधि होती है। नेक्स्ट है, आइसोटोनिक व्यायाम के सर्वप्रथम किसने परिचय दिया था? तो हु फर्स्ट इंट्रोडक्ट आइसोटोनिक एक्सरसाइज? तो आइसोटोनिक, जैसे कि स्ट्रेंथ को डेवलप करने की तीन विधियां हैं, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। आइसोटोनिक की खोज किया था ली डोनी ने, ठीक है, ली डोनी ने किया था 1953 में। और यह स्थैतिक स्थिर शक्ति है, जिसमें न मांसपेशी, इसमें तनाव बना रहता है, मांसपेशी की लंबाई न बढ़ती है न घटती है, और कोई मूवमेंट नहीं होता है, इसमें गति होता हुआ दिखाई नहीं, दोस्तों यहाँ पे उल्टा हो गया, आइसोटोनिक मतलब इसमें मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती और घटती है, ठीक है, और तनाव बना रहता है। एंड ये सब शक्ति डेवलप करने की सबसे अच्छी विधि है आइसोटोनिक। एक कंसेंट्रिक इसेंट्रिक दो प्रकार का होता है, जब आप डंबल लेकर ऊपर की तरफ खींचते हैं फ्लेक्शन होता है, तो वो कंसेंट्रिक आइसोटोनिक हो गया। जब नीचे की तरफ करते हैं तो फैलता है हाथ, एक्सटेंशन मूवमेंट में आता है, तो वो इसेंट्रिक मूवमेंट हो गया, ठीक है। जबकि आइसोमेट्रिक की खोज किया था 1954 में हेटिंगल मुलर ने। उसमें क्या होता है कि मांसपेशियों की लंबाई सेम होती है, लंबाई न घटती है न बढ़ती है, कोई मूवमेंट नहीं होता है, एंड गति होता हुआ दिखाई नहीं देता है। और तीसरा है आइसोकाइनेटिक, जिसकी खोज जेम्स पेरिन ने 1968 में किया था, और यह अक्सर पानी वाले खेलों में जैसे तैराकी, रोइंग आदि में प्रयोग होता है, मशीनों के द्वारा प्रयोग होता है अक्सर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सारी शिक्षा की प्रमुख विधि शिक्षा विधि है? तो विच आर द फॉलोइंग इज द मेन टीचिंग मेथड ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो मिरर विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन अनुकरण विधि, ये सभी विधियां आपके शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षा विधियां हैं। शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षा विधियां हैं भाषण विधि, आदेश विधि, प्रोजेक्ट विधि, विचार विमर्श विधि, ग्रुप निर्देशन अभ्यास विधि, प्रदर्शन अनुकरण विधि, ये सभी होती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति है, द बेस्ट मेथड ऑफ डेवलपिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो लचीलेपन की विकास की सर्वोत्तम विधि है स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड, यानी कि धीरे धीरे आप स्ट्रेच करके कुछ समय तक रोके रखेंगे, ये सबसे बेस्ट विधि है। और जब आपको प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन देगा, प्रोप्रायोसेप्टिव सेप्टर
इसके स्थान पर, तो वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो लचीलेपन को विकसित करने के लिए विधि है बैलिस्टिक स्टैटिक डायनेमिक एंड पीएनएफ मेथड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रोसाइकल प्लान में प्रायः निम्न कदमों का अनुसरण किया जाता है, इन्हें क्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ क्या है, लक्ष्यों और उपलक्ष्यों का निर्धारण, अवधियों का निर्धारण और मेजो साइकिल्स की व्यवस्था, प्रदर्शन का पूर्वानुमान और प्रदर्शन का निर्धारण, परीक्षणों नियंत्रणों प्रति स्पर्धाओं की तारीखों का निर्धारण, तरीकों का निर्धारण एंड परीक्षणों नियंत्रणों स्पर्धाओं की तारीखों का निर्धारण, तरीकों का नहीं है, ठीक है। लोड डायनेमिक्स और लोड इंडाइसेज का निर्धारण, तो यहाँ पे आप सिक्वेंस बाई आपको लगाना है। सबसे पहले आप तो किसी चीज का कार्य आरंभ करेंगे तो आप सबसे पहले उसका पूर्वानुमान लगाएंगे। तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, सबसे पहले आपका सी हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रदर्शन का पूर्वानुमान और प्रदर्शन का निर्धारण करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लक्ष्य का निर्धारण करेंगे, लक्ष्य उपलक्ष्य का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे, ए हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा अवधि का निर्धारण करेंगे, ठीक है, अवधियों का निर्धारण करेंगे और मेजो साइकिल्स की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा परीक्षणों और नियंत्रणों प्रतिस्पर्धाओं की तारीखों का निर्धारण करेंगे, किस तारीख को होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोड डायनेमिक और लोड इंडाइसेज का निर्धारण करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह बढ़ता है, तो हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह किसकी तरफ बढ़ता है, तो ब्लड फ्लो इंक्रीज व्हाइल ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, तो उस समय हमारा जो रक्त प्रवाह होता है स्केलेटल मसल्स यानी कंकाल मांसपेशियों की तरफ बढ़ता है। कंकाल मांसपेशियां जो है टेंडन के द्वारा अपने दोनों सिरों पर अस्थियों से जुड़ी रहती हैं, इसलिए इसे कंकाल मांसपेशी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि शटल रन से परखी जाती है, शटल रन इज टेस्टेड बाय, तो शटल रन से स्फूर्ति यानी एजिलिटी मापा जाता है। ये तुरंत जब कोई व्यक्ति तेजी से चलते दौड़ते हुए दिशा परिवर्तन करने की क्षमता रखता है तो इसे स्फूर्ति या एजिलिटी कहते हैं। स्फूर्ति यानी एजिलिटी व्यक्ति की दिशा परिवर्तन के साथ शारीरिक नियंत्रण कर लेता है एंड स्फूर्ति में गति शक्ति और संतुलन का सामंजस्य होता है। एंड नेक्स्ट है आंतरिक प्रशिक्षण यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, यहाँ पे इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इसका अर्थ है, ठीक है, से क्या विकसित किया जाता है, तो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड से गति सहन शक्ति यानी कि स्पीड एंड्योरेंस को मेजर किया जाता है। इसमें अनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है और रेस्ट एंड केफॉर्ड विधि भी इसको बोला जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, द एबिलिटी टू वर्क विद और अगेंस्ट एनी रेसिस्टेंस इन द स्टेट ऑफ फटीग इज कॉल्ड, तो थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं शक्ति सहनशीलता यानी कि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई मांसपेशी संकुचन में हो परंतु उसमें कोई गति न हो तो यह संकुचन विधि क्या कहलाती है, इफ ए मसल्स इज कंट्रैक्टेड बट देयर इज नो मूवमेंट इन इट देन व्हाट इज द कंट्रक्शन मेथड कॉल्ड, तो यह कौन सा है जिसमें नो मूवमेंट होती है, नो लेंथ में परिवर्तित नहीं होती है, तो ये होता है आपका आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन, आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन यानी कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। नेक्स्ट है गोनियोमीटर से मापा जाता है, तो गोनियोमीटर से क्या मापा जाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन को मापा जाता है और जोड़ों के कोण को मापा जाता है, याद रखिएगा दो अंगों के बीच का कोण मापा जाता है एंड जो आपके मांसपेशी की क्रियात्मक क्षमता होती है उसको मापा जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी से एंड शक्ति को मापा जाता है
डायनोमोमीटर से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लचीलापन क्या है। तो हमारे जोड़ों के जो मोबिलिटी होती है, गतिशीलता होती है, उसी को हम कहते हैं लचीलापन। ठीक है, तो गतिशीलता हो जाएगा, यानी कि ये हमारे शरीर में मोबिलिटी यानी गतिशीलता लाता है लचीलापन। लचीलापन क्रियाओं की श्रृंखला के माध्यम से एक संयुक्त क्रिया को संपन्न करने की क्षमता होती है। किसी भी प्रक्रिया में पेशियों के दो समूह कार्य करते हैं, एक प्रोटागोनिस्टिक पेशी यानी कि एगोनिस्ट, यानी कि जब कार्य करते समय मसल्स मुख्य भूमिका अदा करती है तो उसे एगोनिस्ट कहते हैं, और जो इसके विपरीत भूमिका अदा करती है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। यानी कि जैसे आप कार्य कर रहे हैं, तो जैसे कि डंबल अभ्यास में आप अपने, जैसे कि आप अपने हाथ को फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो फ्लेक्शन करने में मोड़ने में मुख्य भूमिका आपका बाइसेप्स अदा कर रहा है, तो बाइसेप्स यहाँ पे एगोनिस्ट मसल्स हो गया। उसके विपरीत कौन अदा कर रहा है भूमिका? ट्राइसेप्स, तो विपरीत वाले को हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। वहीं पे जब आप अपने हाथ को एक्सटेंशन मूवमेंट में यानी फैलाते हैं, तो उस समय मुख्य भूमिका अदा कर रहा है ट्राइसेप्स मसल्स, इसलिए वहाँ पे एगोनिस्ट हो गया ट्राइसेप्स मसल्स। उसके विपरीत भूमिका अदा कर रहा है बाइसेप्स, तो इस कंडीशन में बाइसेप्स आपका एंटागोनिस्ट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा, तो आप कमेंट में बताइए, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और टाइम आपके पास बहुत कम है, इस तरह डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस कीजिए दोनों टाइम। तो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।